हमने जाना है जिस जगह की वीडियो पिछले तकरीबन 3 दिन से पूरे सोशल मीडिया फिर रही ना कि वो रेंजर ओवर उठा के लेके गए थे। अच्छा, जिस बिल्डिंग से हम उसी बिल्डिंग में जा रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोगों जब आप फोन मिलाते हैं ना तो एक ही आवाज़ है, एक खातून की आती है, एक मर्द की आती है। खवातीन को आप जानते हैं, मर्दों को मैं जानता हूँ। तो जो मर्द हजरात जो मर्द हैं जिनकी आवाज़ अक्सर एड्स में भी आती है, वॉइस ओवर में भी आती है, हमारे दोस्त हैं फिजान हकी उनका नाम है, और हम उनके पास जा रहे हैं। करें कट और उनको कॉल करें कि भैया आ गए हैं। सर ये देखें ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं सुनील मंच का, यहाँ से निकालनी है गाड़ी, आपने समझाई बात की, समझ रहे ना आप? समझ रहे, वो देखें अंडर एज ड्राइविंग करा है बबलू, देख लिया बबलू ने, वो देखें आपको फैन है। बबलू की अम्मी को बताना चाहिए था उसको कि बेटा आपकी उम्र नहीं गाड़ी चलाने की। सर आप क्या बाइक खींचने लगे? क्या मैं बाइक खींच के लेके जाऊंगा यहाँ से? ची करती हुई आइए, आओ मेरे साथ। आप अपने आप को हरीम फारूक समझ रहे हैं ना? वो भी मार की मार्केटिंग में भी आई थी, चलती हुई है, आप भी समझ रहे क्या हरीम फारूक लग रहे हैं? इधर से आराम से, ये खुली है ऑलरेडी फॉर रेजिडेंट गेस्ट ओनली, आ जाए जी। फैसलाबाद में नहीं होता होगा हाँ। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी जी बेचनी है। ओ भाई आपने गाड़ी खरीदनी है, आप आओ ना यहाँ पे, मैं गाड़ी लेके क्यों आऊँ उधर? गाड़ी बेचने की टेंशन से होना है फ्री? हाँ भाई हाँ। तो यूज करो पार्क व्हील सेल इट फॉर मी, पार्क व्हील सेल इट फॉर मी, द हैसल फ्री वे टू सेल योर कार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मैडम, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आपने ब्यूटीफुल हाउस टावर 1 ढूंढने में वैसे शायद मुश्किल हो, लेकिन वैसे कमाल किस्म का व्यू है। उन्होंने आपको गाइड नहीं किया? नहीं सर, हमने गाइड ली नहीं, लेकिन हम तो वैसे जरा एंजॉय कर रहे थे थोड़ा। क्या व्यू है? अच्छा पहले दिन जो वीडियो आई थी वो जाली थी, वो इधर की नहीं थी राइट? हो सकता है किसी अपार्टमेंट की हो जहाँ पे लीक हो रहा हो, प्लम्बिंग इशू हो, नहीं पानी आके लगा और शीशे टूट गए। वो किसी स्पेनिश कॉलोनी की थी अफ्रीका में। अच्छा, नॉट हियर मैन। सर व्यू व्यू बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया। और सारा दिन समंदर की हवा आती है और हम बगैर एसी के सोते हैं रात को। ये भी तो सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं चल रहा रात को? ये भी चल रहा है, मगर रात को हम बगैर एसी के सोते हैं। अच्छा, पूरे समर आपको मेरा ख्याल है अब मूव किए भी 4-5 महीने हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। रस्टिंग का इशू कोई आता है इधर? नहीं यार, बिकॉज दिस इज इन द वाटर एंड नॉट आफ्टर टचिंग लैंड, वो सारी मिट्टी और सारा जो नमकीन हवा आती है वो उसी तरह आती है। यहाँ पे किसी के घर में भी जंग का इशू नहीं हुआ अब तक। इट्स अ न्यू डेवलपमेंट बट लेट्स सी। नहीं सेफ्टी वाइज डस्ट नहीं है यार। हाँ, यार डस्ट नहीं। हम सुबह को उठते हैं ना तो बिल्कुल हुंजा के कैंपिंग ट्रिप वाली फ्रेशनेस के साथ उठते हैं, बिकॉज़ दिस प्योर ऑक्सीजन गोइंग इनटू योर लंग्स। बेहतरीन सर। और आप F1 देख रहे हैं? जी मैं हाइलाइट्स देख रहा था थोड़ी देर पहले। ये शौकीन आदमी है, ये कहाँ कहाँ अभी आपको बताएंगे कि इन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, फरारी की फैक्ट्री गए हैं, सारा कुछ किया है, आप इजी ना लेने। बिसाइड्स F1 व्हिच हैपन अराउंड द वर्ल्ड, गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड होता है, गम्बॉल रैली होती है, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप है, मोटो GP है, दुनिया भर में क्लासिक कार्स जिनको मेंटेन करना मसला हो रहा था और उनके पार्ट्स नहीं मिलते थे, इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू पुरानी SLs पगोडा सब वापस आ रही हैं। वो सिविक वाली स्टोरी तो ज़रा बताएं। यार सिविक मेरी पहली गाड़ी थी, 2005 ईगल आए VTI ओरियल, वो मेरी पहली गाड़ी थी जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। उसके लिए मैंने 7 साल किस्तें भरी, किस्तों के साथ इंश्योरेंस भी थी, और मैंने बड़े प्यार से उस गाड़ी को मैनुअल ऑर्डर की थी सनरूफ के साथ और लेदर के साथ। तो वो 6 महीने लगे उसको डिलीवर होने में, क्योंकि लेदर में सिर्फ लोग ऑटोमेटिक लिया करते थे। तो मैंने अपनी गाड़ी अपनी तरफ से बड़ी स्पेक करके ली थी शौक से, सिल्वर में। वो 7 साल चलने के बाद इंश्योरेंस ख़त्म हुई है, वो गाड़ी चोरी हो गई अपार्टमेंट के नीचे से, ये अपार्टमेंट नहीं कहीं और फिर वो गायब ही रही 8 साल तक, पता नहीं लगा। एक दिन लाहौर से फ़ोन आया व्हीकल ट्रैकिंग वालों का, उन्होंने कहा ये गाड़ी आपके नाम पर मिल गई है। फ़ौरन लाहौर भागा, मैंने जाके गाड़ी देखी, नॉट बैड। वो लाहौर के मौसम में उसको जंग नहीं लगा था और किसी वकील ने उसको चलाया था बड़े प्यार से। मैंने कहा ठीक है, दिस इज़ नॉट इन अ बैड स्टेट, इसको मैं वापस इसकी ओरिजिनल ग्लोरी तक लाऊंगा। तो मैंने फिर कराची लाकर उस पर काम शुरू किया, मैंने हर चीज़ गाड़ी से निकाल दी, उसका फ्लोर तक मैंने नए सिरे से करवाया, मैंने नया इंजन, नए रेडिएटर असेंबली, नए व्हील्स, नई
एक एक केबल, सस्पेंशन सिस्टम, पूरी पूरी असेंबलीज मैंने लाके, ECU, ट्रांसमिशन, सब कुछ जापान से या थाईलैंड से मंगवा कर नया कर दिया। फिर ये डी, इसमें D16 आया करता था, D17 इंजन लगा जापान वाला, D17A, जिसमें 10 हॉर्स पावर ज़्यादा होते हैं, और मैनुअल ही रखा। तो सब चीज़ें मिलने में टाइम लगा मुझे। मैंने इस पर AMG मर्सिडीज़ पे जो पेंट होता है डूपॉन्ट का, या वो मैंने करवाया बड़े ख़ास बंदे से, कलीम से, जो भट्टी में इसको रखता है गाड़ी को, पूरी रात मैंने रात गुजारी इधर भट्टी पेंट। हर कोई कहता है भट्टी पेंट करवाया, बेसिकली उसको कहते हैं ना पाकिस्तान में वो, आप जिसको कहते हैं यार बेक पेंट को भट्टी पेंट कह लेते हैं ना, उसका देसी वर्जन कर दी ना बेक पेंट है। भट्टी जितना गर्म तो नहीं होता मगर वो 60-220 डिग्रीज तक करते हैं। मैंने पूरी रात वहाँ गुजारी, देखा कि कोई मक्खी भी ना बैठे गाड़ी पे, फिर उस पर क्लियर कोट्स लगे और सारा कुछ करवा के एक एक चीज़ नई करके मैं इस गाड़ी को। अभी है आपके पास? अभी है, दो साल हो गए ना आपको, 2020 में मिली थी, 2020 में मिली थी, रिस्टोर करते करते एक साल लग गया। कोविड में किया नहीं रिस्टोर? कोविड में रिस्टोर की, और जिन पार्ट्स को मैं चेंज रेडिली अच्छे पार्ट्स से नहीं कर सकता था, मैंने उनको चेंज नहीं किया। सही है, डैशबोर्ड स्क्रैचेज हैं तो हैं, वो वैसे का वैसा ही है। स्टेरियो सिस्टम पहले से बहुत अच्छा लगाया, टायर्स बड़े अच्छे लगाए, 328 आई थिंक चल चुकी है। काफी आप मतलब प्राइमरी आप कार डेली ड्रिवन उसे ही यूज कर रहे हैं? मैं उसी को यूज कर, मेरे पास 8 साल में किसी और ने भी चलाई है ना। अच्छा। जो 8 साल मिसिंग रही है उसमें भी चली है ना। शुगर मीटर रिवर्स नहीं कराया? उसने कराया हो। मैंने 2 लाख चलाई थी, उसने 2,80,000 तक पहुंचाई, और मैंने 328 तक। So ये सुनील साहब, ये मैंने काफ़ी देखा है, ये स्टोरी जो है ये मैंने और भी लोगों से सुनी है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी कि हमारी गाड़ी घूम गई और 10 साल बाद दोबारा मिली। रियली? तो ये क्या चक्कर होता है, मतलब कि आपने कभी स्टोरी ये सुनी? हाँ जी, हमारे साथ भी हुई है। क्या ऐसे होता है कि 10 साल बाद जो है सिविक चोरी हुई और वकील साहब ही कोई चला रहे होते हैं वो, या वकील साहब चला रहे होते हैं या पुलिस वाले चला रहे होते हैं या सुपुरदारी पे चला रहे होते हैं। हमारी भी सिविक चोरी हुई थी, रजा साहब के घर के बाहर से चोरी हुई थी डिफेंस से, ठीक है, और वो गाड़ी हमें मिली थी 4-5 साल बाद। इस तरह किसी ने फ़ोन आया कि जी फलाने थाने में आप जाएं तो आपकी गाड़ी खड़ी है, और वो पकड़ी गई थी लाहौर एंट्रेंस पे, उस पर नंबर कोई और लगा हुआ था पहले, बट उन्होंने जब पकड़ी फिर उस टाइम एक और इशू क्रिएट हो गया, क्लेमेंट जिसके पास से पकड़ी गई थी उसने कहा जी मेरी है, चेसिस उन्होंने उसका वैसे टेम्पर कर दिया गया था, फिर होंडा कंपनी से को बंदे आए थे उन्होंने कन्फर्म किया था कि आपकी गाड़ी है, फिर हमें मिल गई थी, बट अगेन टेम्पर्ड गाड़ी थी, वो मुश्किल से बिकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये स्टोरी क्या होती है, मतलब कि क्यों उनको बाद, मतलब पहले भी पुलिस जरा एक्टिव होकर ढूंढ सकती है ना एकदम से बाद। होता है ये मैं बताता हूँ, जब गाड़ी चोरी होती है ना, चोरी होकर अगर मिल गई है तो वो चलाई फिर रहे हैं जो भी चला रहा है, जब वो उनके काम की नहीं रहती उसमें पैसे मांगने शुरू होते हैं वो फेंक के और अगली चलाने शुरू करते हैं, फिर आपको कॉन्टैक्ट मिलते हैं। फाइल क्लोज भी करनी होती है कोई, उनके कोई तो उनके दो चीजें हैं, ट्रेड ऑफ क्या है, अगर एक गाड़ी चोरी हुई है और मैं मेरे इलाके में मिली है, या तो मैं रिपोर्ट करके उसकी तारीफ ले लूं, या मैं तारीफ के बगैर हूं मगर मेरे को गाड़ी मिल जाए, मैं गाड़ी चला रहा हूं, जब वो गाड़ी आउट ऑफ बुरी हालत में आती है वो फेंके को और गाड़ी चला लेते हैं। ये एक जगह प्रैक्टिस है, हर बंदा ऐसे नहीं करता लेकिन काफी जगह ये होता है। बट वन थिंग वर्थ नोइंग, इसके मैं जब गाड़ी लेने गया उसके बाद के हैसल्स, आई थॉट कि पुलिस ने फोन किया है गाड़ी मेरे हाथ में पकड़ाएंगे खुशी खुशी, मैं मिठाई खिलाऊं, ऐसा नहीं होता, बड़े मसले, ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि आपके केस में कोई दम नहीं है, मैंने अपने हाथ से जिंदगी में पहली बार अपने कानों से किसी जज को पैसे मांगते हुए सुना, उसके हाथ में फिर पैसे भी दिए, छोटा सा अमाउंट मगर दिए। फिर जब फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया, सारा पेपर वर्क हो गया, मैंने पूरा सबूत लेके आया था अपने UBL से, जब मैंने अपने 7 साल किस्त दी हुई थी UBL से, जब मैंने अपने पेपर्स मांगे अब जाकर गाड़ी के मिलने की खबर पर, तो UBL ने मुझसे 1,00,000 रुपये लिए इस बात पर कि हम आपको पेपर्स रिलीज नहीं कर सकते कि आपके कुछ पेमेंट्स लेट थी। मैंने कहा वो लेट पेमेंट नहीं हुआ करती थी, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम डाउन होता था, आपके लोग फ़ोन करते थे एक सर्टन डेट पे, और मैं उनको बताता था कि यार ये रसीद नंबर है, ये मैंने भरी हुई है, आपके आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा वो सॉरी सर, सॉरी। ये हर महीने होता था कई साल तक, और उसके उन्होंने मुझसे लेट पेमेंट के फिर भी इतने सालों के बाद 1,00,000 रुपये उन्होंने ले लिए। किसी ने कहा कि ऑम्बड्समैन के थ्रू वापस हो सकते हैं, वहाँ तक बात गई नहीं। जब पुलिस ने फाइनली गाड़ी हैंड ओवर करनी थी, आई थॉट कि सारे कॉप से तो मेरा काम हो गया, तो फाइनली एक सीनियर ऑफिसर के पास जाना था जिन्होंने फाइनल उस पर साइन ऑफ करना था। उन्होंने कहा कि आपके केस में दम नहीं है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते आपने पैसे दिए किसी को? ओपनली उन्होंने कहा कि आपने कुछ खिलाया नहीं है। और मैंने कहा ठीक, वकील की फ़ीस दी है, ये दिया है, वो दिया है, जो फीस थी वो दी है। आई डोंट थिंक कि वो मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे भगा दिया उस दिन। मैं उस दिन वापस गया, एक दोस्त के घर पर बैठा हुआ, और मैं बड़ा सैड, मैंने कहा यार देखो यू नो हमारा मुल्क कैसा है और ये वो, किसी को जस्टिस कहाँ मिलती होगी, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाए। तो उसने मुझे कहा कि यार मेरा एक जानने वाला है गवर्नमेंट में,
आई डोंट वांट टू से द नेम. उसने कहा मैं उसके थ्रू कोशिश कर लूँ. मैंने कहा यार कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस के बड़े सीनियर बंदे से मिल के आया हूँ, वो कह देंगे यार पैसे नहीं दिए इस बंदे ने, फारिग करो. कहते मैं बस रिक्वेस्ट करके देखता हूँ. मैंने कहा करके देख लो. आई किड यू नॉट, थोड़ी देर बाद मुझे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी चोरी होकर मिली है. मैंने कहा जी. अच्छा नहीं, आप ये कल आके ले लें. आर यू सीरियस? मैंने कहा कोई किसी को मेरे साथ भेजोगे? उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल जाके ले लो अपनी गाड़ी. मैं गया हूँ, वो साहब नहीं थे जो पिछले दफ़ा सामने थे, मगर मैं किसी से गाड़ी की चाबी लेके आराम से आ गया वापस. एंड दैट वाज द एंड ऑफ दैट, यू नो. तो क्वाइट एन एक्सपीरियंस. 7 साल नहीं मिली थी तो मीनवाइल आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मैंने गाड़ी रेंट की थी और वो होते 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 कुछ 7 साल रेंट कर ली. कितने पैसे दिए आपने 7 साल? रिडिकुलस अमाउंट, 38 लाख. और कौन सी गाड़ी थी वो? इसी तरह की सिविक थी. तो सर क्यों खरीदी, क्यों नहीं आपने? क्योंकि ये नहीं पता था कि 8 साल तक गाड़ी नहीं मिलेगी. आई थॉट कुछ महीनों की बात है, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, मगर उसकी उसका मिनिमम उसकी पेमेंट इतनी कम होती थी कि वो कभी उससे तकलीफ नहीं हुई. वो घर के किराए की तरह जाती रही जाती रही जाती रही, गाड़ी वहीं पर रही. बट आप लीज करा लेते, मतलब आपने वो लीज ही एक किस्म की कराई हुई थी, फाइनेंस नहीं कराई. ये कॉन्वर्सेशन गाड़ी चोरी होते ही शुरू हो गई थी मगर संभव नहीं हुई. काम में बिजी, गाड़ी से काम चल रहा था, दिल उस गाड़ी में था नहीं, यू नो. तो आपने उस, मतलब कंसिस्टेंट आदमी है, 8 साल आप लीज. आपने सोचा, मतलब आपकी उम्मीद थी कि आपको मिलेगी गाड़ी? मुझे था कि मिल जाएगी एक दिन, यू नो. 8 साल लेके रिस्टोर करूंगा, मुझे बड़ी मेरी याद है उसके साथ, यू नो. ये वो कहते हैं पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में, शाहरुख खान के. मगर जब मिल गई, जब गाड़ी मिल गई तो फिर वही फीलिंग हुई. और अभी तक वही चला रहे हैं गाड़ी की, चेंज कर ली है? वही है, मैं आज भी उसमें घूम के आया हूँ. जब मैं इसमें निकलता हूँ तो मुझे वही फीलिंग आती है जो मुझे 25 साल की उम्र में आती थी. लगता था कि मैंने कोई अपने लिए नया, यानी मुझे फीलिंग अभी आती है, आपको तब आती है? मैं 25 साल वाली फीलिंग, मतलब मेरे वाली फीलिंग आपको आई. श्योर, वो यू नो, वो मजाक कर रहे हैं, वो अपने आप को यंग शो कर रहा है यार. वो 25 की उम्र में वो M3 की ड्रैग रेसेस जीत रहे होते थे लाहौर में, लेकिन वो पता है 40 की उम्र में जो है हार रहे हैं. 40 की उम्र में इनसे हार रहे हैं, अंदाजा लगाए आप. सर ये फिक्स रेसें करते हैं, कैमरामैन अपना सारे अपने एंड पे रिजल्ट भी निकालते हैं, खुश हैं. आपने देखी नहीं होगी, तीन रेसेस इन्होंने मेरे साथ किए, चैलेंज लगा के. आप जीते थे ना सर? इन्होंने करोला GL आई थी, उसमें जो थी वो मेरे पास यारिस है अपनी जो मैं खुद ड्राइव करता हूँ, तो इन्होंने कहा था वो जीत ही नहीं सकती. तो नहीं जीत सकती, तो मैंने एंड पे रैम खा लिया. ट्रांसमिशन किसकी क्या थी? मेरी ऑटो थी, मेरी मैनुअल थी. मैं आप लॉन्च देख के, मैंने लॉन्च मैनुअल GLI नहीं निकली, यारिस ऑटोमेटिक से निकली. नहीं सर, 1.5 यारिस और भी बताता हूं ना. फिर इन्होंने 200 ली. पूरी बात सुनाए आपको, मैं लॉन्च दिखाता हूँ वीडियो का. आप वीडियो देख के घर आके सो जाएंगे कि सुनील जीत गया. 3 गाड़ियों का मैंने गैप मारा, ठीक है. जब मैंने मार दिया तो मैंने शीशे में देखा, फ्रांस वाले, मैंने थोड़ा ऐसा कर लिया, मतलब रहम करके. फिर एकदम मैंने देखा तो मेरे से गुजर रहे थे. उसके बाद जब मैंने दबाई तो ऑब्वियसली वो दूर है, दुरुस्त है. फिर इनके पास 200 थी और मेरे पास फोटेज थी. सो सर आपका स्टूडियो, ये मेरा मेकशिफ्ट सा स्टूडियो है. हैविंग सेड कि हम लोग रिसेंटली यहां पे आए हैं, तो फिलहाल दिस इज वेयर सम ऑफ द मेजर रिकॉर्डिंग्स स्टूडियो में इक्विपमेंट दिखाने नहीं लाया. मैं अपनी बड़ी प्राइज्ड पोजेशन आपको दिखाता हूँ. मेरी ये जैकेट, ये मेरी एक जैकेट है, इस पे होरेसियो पगानी ऑटोग्राफ मैंने लिया था, उसका इंटरव्यू किया था 2008 में. सर हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा एलैबोरेट भी करते हैं, देसी लोग हैं. पगानी ज़ोंडा मेरी फेवरेट सुपरकार है और थी उस वक्त भी. तो मैंने पगानी को खत लिखा, मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान में MTV के प्रोग्राम होस्ट करता हूँ. मैंने फरारी को भी खत लिखा उससे इंकरेज होकर. खत के जवाब भी देते हैं वो? फरारी में बिल्कुल. मारियला मैंगोजी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटा आ जाओ 6 दिन के लिए, तुम हमारे गेस्ट हो. सो आई वाज अ गेस्ट ऑफ फरारीज एट मैरिनेलो इन मोडेना. और फिर उनकी सारी गाड़ियां F40, F50, एनजो, इवन द ओल्ड 250 GT, यू नो आई गॉट टू टेस्ट ड्राइव इट ऑन द 6th डे ऑन द मुगेलो ट्रैक. सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. मैं आपको छोटा सा हमारी सारी मामलों को खत लिखना शुरू कर देना. अब नहीं करते वो पुराने जमाने का खत, अब नहीं गए. अब नहीं, तो बार बार दोबारा से धोनी ना. कराची से इस दफा प्यार हो गया है मुझे लगता है.
मैं तो कराची में किससे प्यार हो गया? कराची पूरी बात क्या करें यार, ऐसे यहाँ पे ओपन एंड ना छुड़ा करें। कराची से प्यार हो गया, बाकी मुझे इस दफा कराची अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात कराची की डाइवर्सिटी। हाँ, वही मैं यहाँ पे हम पांच लोगों को चाय पीते हुए किसी होटल पे देखते हैं ना, सारे एक बलोच होता है, एक सिंधी होता है, एक बिहारी होता है, एक पंजाबी होता है, एक पठान होता है, उर्दू स्पीकिंग, यहाँ पे दिल्ली वाले पठान एक्सेंट्स मिलेंगे, पूरे सरहद के अफगानिस्तान के सारे एक्सेंट, सारे डायलैक्ट्स आपको कराची में मिलेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है, और इसीलिए कह रहा हूं ट्रू मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये बिहारियों का शहर है, ये मेमनों का शहर है, ये आगाखानियों का शहर है, ये बोरियों का शहर है, और कहाँ मिलते हैं आप? नहीं मिलते, ये मैं कह रहा हूं और कहीं नहीं मिलते। मगर यहाँ पे चिनियोटी भी है, यहाँ पर गुजरांवाला के लोग हैं, यहाँ पे मुल्तानी है, यहाँ पे सदर पंजाब के बहुत लोग हैं, यहाँ पे गिलगिती, हुंजई सब मौजूद है, सारी कौम है। आई लव दैट अबाउट कराची। सर ये जूते आपने डेकोरेशन के लिए, ये सर में मारने के लिए, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आप इस कमरे के अंदर आएंगे, मगर ये मेरे जॉगर्स हैं, मैं जब भी जॉगर्स उतारता हूँ तो मैं धूप में रखता हूँ ताकि वो रेडी हो जाए फॉर नेक्स्ट टाइम। सही, और ये प्रॉप्स हैं आपके? नहीं, ये असल में काम करते हैं। मैं ऑडियो फाइल हूँ, मैं म्यूजिक सुनने के लिए मेरा सिस्टम है। अच्छा, कैसेट पे सुनते हैं आप? ये दुनिया की बेहतरीन कैसेट डेक है नाकामिची की। नाकामिची बड़ा मशहूर है, अभी आजकल के बच्चों को शायद ना पता हो, गाड़ियों में भी आते थे ये नाकामिची। हमने में सबसे बेहतरीन जो कैसेट डेक होता है वो नाकामिची का होता है, और ये मुझे बड़ी किस्मत है मेरी कि मुझे 2002 का बना हुआ पैक्ट नाकामिची का डेक पिछले साल मिल गया। ये कहाँ से निकाला सर आपने? सर ये मुझे लाहौर से बड़े शौकीन साहब थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे कैसेट डेक चाहिए, उन्होंने कहा क्या यामाहा टेक्निक्स, मैंने कहा कहीं से नाकामिची दे दे, उन्होंने कहा कि सिंगापुर में किसी के पास पड़ा हुआ, मैं सिंगापुर से आपको मंगा के दूंगा। तो ये कैसेट डेक सिंगापुर से आई है। ये टेप्स अब पहले 400 रुपए की मिलती थी, मेटल टेप्स, क्रोम टेप्स, ये अब आपको बाहर से मिलती है। टीडीके की मिलती थी, टीडीके पे आप रिकॉर्ड कराते थे, फिर री रिकॉर्डेबल टीडीके आ गई थी, वो जमाना था जब नई नई आशिकी शुरू होती थी, तो गाने पहला काम ये होता था कि गाने का सिलेक्शन बना के आप गिफ्ट करनी होती थी, उसमें को फिलर भी खास होता था। डूब मरो जाके नौजवानों, तुम लोग सारे यूएसबी पे मोहब्बत करने वालों, सही बात है, यूएसबी भी नहीं, ये वाली कम स्पॉटिफाई पे मोहब्बत करते हैं। सर इतना मैं वैसे अभी भी शेयर करने का अपना ही मजा है, साउंड क्लाउड या स्पॉटिफाई का लिंक अभी शेयर करें ना, उसका भी अपना ही मजा है। अपने फ्रांस साहब को मैंने बताया कि मोहब्बत इंसान को किसी भी उम्र में और किसी टाइम भी हो सकती है, हो सकती है। तो अभी भी बड़ा मजा है अगर आप गाना शेयर करें ना, यूं करके पहले शेयर नहीं हो सकता था, पहले सिर्फ कैसेट जाती थी, कोई चीज देने का एक अलग मजा है। तो सीडी देते थे आप रिकॉर्ड देते होंगे वो भी पुराना। मैं रिकॉर्ड नहीं देता, मैं बताता हूं, हमारे जमाने में कैसेट बनती होती थी पूरी कैसेट। एलडी पे फिल्म देखना याद है सर? याद है, जब आप एलडी लेके घर आते थे या कभी रिकॉर्ड लेकर आते थे सुनने के लिए, तो उसकी आप हर गाने को सुनते थे, आप एक एक गाने को सुनते थे। इनकी सीडियां जो है ना इंग्लिश गानों की कई कई जगह से खराब होती थी। दिस इज माय मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन, दिस इज मोर प्रेशियस टू मी देन माय कार। क्यों? ये मेरा ट्यूब एम्पलीफायर है जो कि 1930s 40s की टेक्नोलॉजी, जो कि आज तक साउंड प्रोडक्शन के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी है। दिस इज अ ट्यूब एम्पलीफायर विद 300B एंड 845 ट्यूब्स, दीज आर फ्रॉम द 1940s एंड आज तक इस। तो आप ऑडियो इंजीनियर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट? यानी आपके साथ की उम्र का है जब आप पैदा हुए तब का है ये? कौन 1940s? ये लाइन मैग्नेटिक है आपसे भी पता। अच्छा, टेक्नोलॉजी, ये मेरी उम्र हर जगह बता के बताते हैं। लेकिन सर अभी भी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो जब आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ बेहतर होने के लिए आगे नहीं बढ़ती, ना जरूरी नहीं है, बढ़ती है। सर जो हमारी उम्र के लोग हैं ना, उनके अंदर ये पुरानी रूह है, आपको समझ नहीं आएगी। ये एनालॉग लग रहा है मुझे इतना, एनालॉग म्यूजिक जो होता है। नहीं, मेरे से वैसे 15 को साल बड़े। नहीं भाई, 43 आप कितने? क्या मैं आपको सुनील भाई कहता हूँ वैसे? नहीं, 43 क्योंकि आपकी दाढ़ी ज्यादा। 43 दोस्तों, खाना आ गया, खाने के बाद कंटिन्यू करें। जरा थोड़ा सा खाना दिखा के फिर हम खाना खाना है दिखाना है। ये मेरे ख्याल से पाकवीर व्लॉग जो है इसके बाद चैनल बन जाना है। इस बार मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग लाहौर से हैं, मैंने आप लोगों के लिए मछली मंगाई है, समंदर की मछली, यहाँ से पकड़ के, जो कि अपनी खुराक खुद ढूंढती है। तो ये मामू मछली से मैंने मंगाई है, जो कि फ्रेशेस्ट फिश अपने मेन्यू पे रखता है। मेन्यू होता नहीं है इसके, आप जाके पूछते हैं कि आज क्या फ्रेश है। फिजान भाई की पुरानी जो व्लॉग्स है वो एंजॉय करते हैं, और साथ जो है ना आई है फिश एंजॉय करते हैं। पुरानी ऑटोग्राफ है, एक चोरी करके ले जाए, पहले जैकेट पे था दूसरा। ये इसकी वर्थ क्या होगी वैसे? आई हैव नो आईडिया, आई नेवर ट्राइड टू नो। वर्थलेस यार, हर चीज की वैल्यू नहीं है। वर्थलेस नहीं, वर्थ मेरे लिए इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल। एक दफा फैमिली में किसी बच्चे को, किसी बच्चे को खोल के दी थी, उसने उसके पीछे रेयर बैंग उतार दिया। अच्छा, तो वो बच्चा मिल गया, ये बच्चा मिल गया। तो पेंट भी करते हैं आप? नहीं, ये मेरी वाइफ का। ब्यूटीफुल सर, ये बहुत कमाल। ये ऑयल पेंट है? मेरी वाइफ के बड़े जबरदस्त एस्थेटिक्स हैं। ये ऑयल पेंट है? या ये ऑयल पेंटिंग उसकी सबसे पहली ऑयल पेंटिंग थी, कुछ महीने पहले की बात है।
और उसके बड़े जबरदस्त एस्थेटिक्स हैं, वो एनिमेशन देखते हुए बड़ी हुई है सर, इंस्पिरेशन सामने इतनी जबरदस्त किस्म की है। मैं बिस्तर पे लेटता हूं ना तो मुझे आईने में समंदर नजर आता है, क्या बात है। आई स्वेयर आई वेक अप लाइक आई हैव वोकन अप इन ललतर रियली। फिर इसके बाद जो है ना एमआर के रेट्स बहुत हाई हो जाएंगे, अल्लाह करे हमारे लिए कम कर दें थोड़े से। फिर हमें क्या लगता है कि फ्रांस साहब जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, मगर ताजी हवा में हम इसी में सोते हैं और इसी में उठते हैं और कभी गर्मी नहीं लगी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी 30 से ऊपर नहीं गया दोपहर के वक्त भी। अच्छा, बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज। और मैं सी ब्रीज अपार्टमेंट है वैसे, अगर आप नहीं सी ब्रीज ज्यादा को जो पहले होता था पतला सा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं लाहौर में भी है अपार्टमेंट सी ब्रीज आपने लेने। ये आप ट्रैम भी रखी हुई है? ये मेरी वाइफ का शॉप, इस्तांबुल की पसंदीदा चीज। सर हर जगह आपने ऑडियो जो है ना चेकर वो बहुत फिट रखा है, यहाँ बोस रखा हुआ है, उधर यामाहा रखा हुआ है, मतलब ये वो आवाज की दुनिया के इंसान है, उन्होंने आवाज का सिस्टम्स हैं जो दोस्तों में बांटे हुए हैं, जो कि दोस्त बड़े प्यार से चला रहे हैं इसको। अच्छा, हाँ, जो अच्छी तरह यूज करते हैं उसे मैं वापस नहीं लेता फिर चीज। सुनील साहब इसी तरह मैं हमर दे रहे हैं, मर्सिडीज मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, गिव अवे मर्सिडीज आपकी हुई सिल्वर वाली, ये तो गिफ्ट लेना है इनसे तो W140 का गिफ्ट ले। नहीं वो इनको W140 का व्लॉग बना दी है, लेकिन इनको मैंने कहा है सिल्वर वाली जो है ना 210 वो ले ले। मामू मछली ये तो आया है, झींगा है मामू, झींगा झींगा मामू, प्रॉन्स है यार, प्रॉन्स है, प्रॉन्स है मामू ने, प्रॉन्स स्टार्टर है और ये मामू ने आपके लिए प्रॉन भेजा है, मामू प्रॉन। ये चाचू ऐसे भी प्रॉन है, ये नहीं ये हो ना सर, अब देसी क्या बात है, झींगा झींगा लाला हुए वो कहते हैं ना, ये ज्यादा ही आपने मंगा लिया मुझे लगता है। दुनिया में किसी भी खत्ते में, चाहे आप थाईलैंड के किसी कोस्ट पे चले जाएं, अमेरिका में पैसिफिक चले जाएं, अटलांटिक चले जाएं, किसी भी एरिया में जो मछेरे होते हैं उनको 5 या 6 टाइप्स ऑफ फिश होती है जो कि पॉपुलर होती है और जो कि लोग खाना चाहते हैं उस समंदर की। अरेबियन सी जो हमारे यहाँ लगती है यहाँ से लेकर ग्वादर तक 150 टाइप्स ऑफ फिश विच आर हाईली सॉट आफ्टर अराउंड द वर्ल्ड। जापान की ज्यादातर टूना यहाँ से जाती है, वो यहाँ की मार्केट्स में आती भी नहीं है। ये जो मैं आपको मामू मछली खिला रहा हूँ ये रोज सुबह को जाते हैं हार्बर पे और जो फ्रेश होता है वो ला खाते हैं मामू मछली और आप वीडियो बनाते रहो। 2017 के समय में 12 औरतें आई थी, ज्यादातर अमेरिकन थी, कुछ यूरोपियन थी और उन्होंने मोइन खान के साथ नॉर्दर्न एरियाज में मोटरसाइकिल चलाई काराकोरम हाईवे पे और कुछ रिमोट एरियाज भी। उनमें से एक थी एल्सबेथ बियर्ड, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से था। एल्सबेथ बियर्ड पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली ब्रिटिश खातून थी जिन्होंने मोटरसाइकिल पे दुनिया का चक्कर लगाया और जब वो इंडिया पहुंची ऑन हर वे बैक टू यूरोप, उनका सफ़र ख़त्म होने वाला था, वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान जाती तुर्की पहुंचती और फिर तुर्की से यूरोप शुरू हो जाता। वो इंडिया में फंस गई 3 महीने के लिए, कोई बीमारी आई हुई थी उन दिनों, उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी और इजाज़त नहीं थी किसी भी ट्रैवलर को इंडिया से निकलने की उस वैक्सीन के बगैर, तो वो इंडिया में फंसी रही। उनके मोटरसाइकिल पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, BMW मोटरसाइकिल थी ख़राब हुई हुई थी, सेहत भी अच्छी नहीं थी। एक दिन उन्होंने अपने डिप्रेशन में फैसला किया कि मैं इस बॉर्डर को क्रॉस करूंगी। और उस जमाने में पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बड़ा कच्चा सा बॉर्डर होता था, रस्सी लगी होती थी, कुर्सी बैक इन 1970s लेट 70s पॉसिबली अर्ली 80s। उन्होंने एक दिन इरादा किया कि मैं इस बॉर्डर को क्रॉस करूंगी अपनी मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो निकल पड़ी और कच्चा सा बॉर्डर होता था, एक कुर्सी पे गार्ड बैठा होता था यहाँ पे और उस तरफ भी, उनको था कि फायरिंग होगी और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात सब भी खराब थे। अलबत्ता उन्होंने वो बॉर्डर तोड़ा और वो पाकिस्तान में घुस गई, ना इंडिया की तरफ से फायरिंग हुई, पाकिस्तान में उनको फौजियों ने वेलकम किया कि जी आप आ गई हैं, खबर आई हुई थी उनकी किसी के पास, और फिर वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान और तुर्की होते हुए यूरोप वापस पहुंची और फर्स्ट ब्रिटिश वुमन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब बन गई। तो सर इससे हमें ये भी पता लग रहा है आपके फिल्म मेकर भी हैं, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। मैं बचपन से, मुझे 11 साल की उम्र से पता था कि मैं फिल्म बनाऊंगा। मैंने अपने अब्बा से एक दिन पूछा कि ऐसा क्या प्रोफेशन है, क्या प्रोफेशन होगा जिसमें मैं ऐसी क्या कोई मशीन बन सकती जिसको मैं अपने सर पे हेडफोन्स की तरह पहनूं अपने टेम्पल्स पे और वो इमेजेस प्रोजेक्ट कर सकूं एक बड़े स्क्रीन पे जो कि मैं देख रहा हूं अपने दिमाग में। उन्होंने कहा ये तो फिल्म मेकिंग या कार्टून में ही हो सकता है। तो डन देन फिल्म मेकिंग, यू नो इट इन्वॉल्व्स ऑल माई पैशंस, फिल्म, फोटोग्राफी, म्यूजिक,
एक्टिंग राइटिंग यू नो, मुझे हिस्ट्री से फिल्म से बहुत दिलचस्पी है बहुत पहले से। जो सर लोग देख रहे हैं वो कैसे देख पाएंगे? पाकिस्तान में मौजूद है, मजे की बात पे होगी इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट्री। याद है फ्रांसिस इज माय फेवरेट कार, पता है हमने इस गाड़ी का रिव्यू किया हुआ। एक उनका होर भी नीमा हो उसमें शुरू में आता है, मैंने शायद मिस कर दिया। मगर ट्यूब एम्पलीफायर्स की खास बात ये है इसमें जो डिके होता है ना इंस्ट्रूमेंट का वो बड़ा सही सुनाई देता है। डिके ये पूरी बात है इंस्ट्रूमेंट का डिके सुने इंस्ट्रूमेंट के आसपास जो हवा भी होती है ना उसके भी मॉलिक्यूल्स हिलते हैं पता लगता है। और पर्शियन भी बोलते हैं नहीं? नहीं, पढ़ लेते। आपके ग्रैंडफादर और आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि आपको आनी चाहिए थी। मुझे आनी चाहिए थी, हम बहुत जाहिल हैं। दादा तो 8-9 ज़बानें बोलते थे, वो संस्कृति से उन्होंने अर्थशास्त्र किताब का उर्दू ट्रांसलेशन। उर्दू लोगों भी आपके दादा ने लिखी थी राइट? आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी जाके खरीदे उर्दू की, शानुल हकी की होगी। कमाल आदमी बता दी आपने बात। तो आपके वालिद साहब आए नहीं तो वो बड़ी अच्छी टिप्स दे रहे थे। बड़े जबरदस्त ट्रांसलेटर हैं, वो किताबों को ट्रांसलेट करते हैं। उन्होंने 40 साल एडवर्टाइजिंग में गुजारे। अच्छा, तो उन्होंने हमारी दुनिया देखी भी अच्छी तरह से। क्या बात सर, ये मेरी सर्वे कह रहे हो क्या? हाँ, 062 ने नंबर बताया था। बेहतरीन। यहाँ पे गाड़ियाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, लोगों के पास ट्रायम्फ टाइगर मोटरसाइकिल। अच्छा हाँ, ये भी अच्छी गाड़ी है। और ये सुचित चुम्मी किसने दी है इसको? यार ये चुम्मी बाइक वाले जो हैं वो चुम्मी ले लेते हैं आके। और ये भी उसी किसी दो बाइक वाले दौड़ करके पीछे घुसे कट मारते हुए। भाई वाह, आजकल हम दोनों भाई एक ही सिविक चला रहे हैं। आप सीएफ चला रहे हैं, मैं जरा पुरानी चला रहा हूं। आपने वो अपने टीचर की भी तो गाड़ी खरीदी? हां वही वाली, वो 2002 की है ना। बहुत अच्छी है, वो भी मैनुअल है। जरा आपने गियर नॉब देखनी है। ये भी बस ऊपर इसी पे जाएंगे हम हमारी गाड़ी के पास जा सकते हैं और वहीं पे क्लोज कर देंगे फिर। ओ, आपने स्टीयरिंग व्हील इसका चेंज करवाया? जापानी वाला स्टीयरिंग, जापानी वाला एयरबैग वाला लगाया है भाई। बड़ा आदमी इजी ना लेना। अच्छा, पार्किंग बड़ी खाली पड़ी है। हां ये सेकंड पार्किंग है, मशहूर रेंज रोवर वाली पार्किंग। गियर नॉब तो बहुत कमाल है। गियर बॉस सर, ये फुल मोमोस रेसर बॉय। इसके बाद टक टक बंदे का दिल करता है मैं गियर लगाऊं। क्रैक क्रैक ओल्ड स्कूल फरारी जीटीओ टाइप यू नो। अच्छा, ये इसमें भी आपने और मजीद काम होने वाले हैं, एबीएस की लाइटें बारिशों में आने शुरू हुई हैं। यार ये ईसीयू जो है ना उसकी वायरिंग पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई भी, तो इसलिए वो लाइटें वाइटें दिखा रहे हैं, वरना वो हैंड ब्रेक भी नहीं खिंचा हुआ और इंजन को भी कुछ नहीं हुआ। वो उसकी इसमें आते हैं सेंसर्स लगते हैं इनटेक पे और एग्जॉस्ट पे मैनिफोल्ड से निकलते हुए, तो वो अभी तक नहीं लगे हुए, वो मिले नहीं मुझे। इधर लेफ्ट में खड़ी हमारी गाड़ी सर, एक खूबसूरत सी छोटी सी गाड़ी खड़ी होगी। यहाँ पे हवा चेक की थी, अभी आएंगे तो अभी चेक होगी। दोपहर में तो शायद जरा गर्म थी, लेकिन अभी कमाल होगी। सही सी ब्रीज जो वर्ड बना है ना सर, वो इसी के लिए बना है। अच्छा, इधर स्मेल ही नहीं होती हवा जो है? नहीं यार, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता। जो भी हमें कभी समंदर पसंद नहीं था, हमने लोगों के घर जंग लगते हुए देखे थे टूटते फूटते, मगर हेयर इज जस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, जो फ्रेश हवा आती है उससे जंग नहीं लगता? जमीन से टच होने के बाद जो रेत वेत उसमें शामिल होती है ना वो होती है, मगर यहाँ पे जमीन हम पानी के अंदर है। हाँ। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे, तो यहाँ हाँ। से आपको समंदर, आप समंदर के अंदर है। हाँ, हाँ, हाँ। उससे पीछे नहीं है। हेयर ड्राई करने ना तो शाम को यहाँ पे आ जाओ, हाल धुंधे ड्राई हो जाएंगे। सर आपके लिए है, उनके लिए तो मसला है ही नहीं। एरोडायनामिक कम टू थिंक ऑफ इट, ये हवा जो यहाँ पे साल के 9 महीने आती है वो ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका और न्यूजीलैंड से इकट्ठी होती हुई वो सारा मॉइस्चर यहाँ से आता है 9 महीने साल के। क्या आप जो सांस ले रहे हैं जिस हवा में वो इंस्ट्रूमेंट उसको किसी लैंड ने टच नहीं किया, आप सोच सकते हैं ये बात कि जमीन से टकराते हुए नहीं आ रही है, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया से कंप्रेस होती हुई इंडस वैली की तरफ आती है हवा मानसून के साथ हर साल। तो 9 महीने आप जो यहाँ हवा ब्रीद करते हैं वो अनटच्ड बाय लैंड होती है, यू नो प्योर ऑक्सीजन। समुद्र के पास वैसे ही लेवल हायर है वैसे ही। ये फरहान साहब आप मजबूर करके छोड़ेंगे कि आपने वापस यहाँ पे आके घर ले लेना। मैं यहाँ पार्क मिल थी मुझे लेके देगा यहाँ घर। गेस्ट हाउस तो होना चाहिए यार, हम कराची शिफ्ट हो जाते हैं कहते हो तो। हम साए में, मैं तो कहता हूँ हो जाए, हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए कम, फिर कोई क्रिएटिव चीजें बनाएंगे। और जो आपकी वो जो ब्रेसेस हैं, मिली मिली मिलिया मिली मिलिया
लोगों से पूछते हैं कि ऐसी कंटेंट आप देखना चाहिए तो और बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं तो हम आपको फॉर्मूला 1 और लमो के स्टार्स से मिलाते हैं, रैली दिखाते हैं आपको, डाकर पैरी डाकर रैली दिखाते हैं आपको, गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड पर लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स में क्या इनोवेशंस हो रही हैं, और आपको ऑटो शोज पर रेगुलरली लेकर चलते हैं शंघाई से लेकर जिनीवा तक। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आप बहुत हॉस्पिटेबल थे और बहुत वार्म। इस दफ़ा कराची वैसे ही बहुत वार्म वेलकम किया है सुनील साहब, आप किधर चले गए? मुझे हमेशा वेलकम करते हैं कराची, आप टेंशन ना लें, बहुत बेहतरीन की तरह। कराची इज़ वन ऑफ द इटर्नल सिटीज़ मैन। मछली बहुत मज़े की थी और मैंने पहली दफ़ा वो हाथ से खाई उस तरह, वो हाथ से पूरी मतलब ये नहीं वो और तरह की। अगली बार आएंगे तो कुछ और मछली खिलाएंगे, अगली बार आपको डांडिया और मुश्का खिलाएंगे, ठीक है? ये डांडिया खिलाएंगे, आप डांडिया डालते हैं हम खिलाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू रजा, थैंक यू फॉर।